अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो करते हैं शुरू और आज हो रहा है मौसम बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। ये एक दफ़ा पहले आप चेक करो मौसम यार, ओए होए होए होए, बहुत ही अरसे के बाद ऐसा अच्छा मौसम हुआ है। और मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, सुबह सुबह का टाइम है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैं तैयार हुआ था। और एक चीज़ जो मैंने बाद में देखी, लेकिन मैंने कहा खैर चलती है, एक जनाब मेरी क्या कहते हैं सिल्वर कलर की है और एक काली है, कोई नहीं अब पहन लिए तो यही पहन के जाएंगे भाई, चेंज वेंज नहीं होती हमसे। बारिश का मौसम है तो मैं ये छतरी साथ लेके जा रहा हूँ। अब इस छतरी की एक यूनिक स्टोरी है, तो वो स्टोरी मैं आपको यूनिवर्सिटी पहुँच के बताता हूँ। लो जी यूनिवर्सिटी हम पहुँच के, और अब मैं ये स्टोरी आपको आगे जाके बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में गेमर बिल्लियाँ हैं जिनको आजकल खाना नहीं मिलता, तो आज हम खाना लाए, खाना लाए हैं। अब हम जा रहे हैं बिल्ली को ढूंढने और ये उसको बैग में डाल के मैं लाया हूँ। यकीन मानो मेरे बैग से पूरी स्पीड की बदबू आ रही है, खुशबूदार बोल ना मजेदार, बिल्कुल अली की स्मेल आ रही है, जानवरों वाली। ओए होए होए होए, मेरे बैग से भी यही आ रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया। बहरहाल हम गेमर बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ के हमने खाना देना है। खाना नहीं, ट्रीट। ट्रीट क्या? ट्रीट तो नहीं बोलते इसको, बस जो भी है जो भी है ये देना है बिल्ली को। यार बिल्ली को हमने ढूंढा है इस पूरे एरिया में, बिल्ली नहीं मिली। रऊफ बिल्ली कहाँ गई यार? यार बिल्ली को हमने बहुत ढूंढा लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बिल्ली यहाँ नहीं होती। बहरहाल आते साथ ही, बल्कि आते साथ नहीं, शहरी के टाइम मैंने इसकी स्टोरी देखी थी कि क्विज है, तो केला में खा गया था वो देख के। लेकिन क्या हो सकता है, क्विज रोज होते हैं, कोई टेंशन है क्विज की? नहीं भाई। और किसी ने ये भी रिप्लाई किया कि क्विज से आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने कौन सा दे देना है। यार ये कोई हमारा बहुत ही अच्छा फॉलोअर है और हमें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए इसने यही रिप्लाई किया। इसने सही बात की है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब हम आपको एक ऐसे मनहूस बंदे से मिलवाएंगे जो सुबह सुबह बुरी खबर देता है कि आज ये क्विज है, ये पेपर है, ये है वो है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। नहीं नहीं उस्मान भाई, हमारे दिलों की जान, हमारी शान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? मैं आपका बैग में पहन लूं? ये ले, पता नहीं बात नहीं है, मैंने अपना लिया ही नहीं है। ये पता है तेरा भी रजिस्टर है, पता है तेरा हाथ बनता है इसको पकड़ने। तू मेरा रजिस्टर, तू मेरा भाई है, तू मेरा रजिस्टर नहीं लेगा? नहीं आधा भाई तू मेरा भी है, पकड़ नहीं किसी का भाई। हैरानगी की बात है कि भाई आज वो बंदा जो हमें सबसे सुबह सुबह मैसेज करता है ये क्विज है, ये पेपर है, ये असाइनमेंट है, वो भाई कह रहे हैं कि आज पहली क्लास लेने का मूड नहीं है। क्या बात है उस्मान भाई, क्लास नहीं ले रहे हैं आज, मौसम देख। कंग्रेचुलेशन, मौसम बहुत अच्छा है यार। क्लास नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कल मैं तैयार हो के आई थी, ठीक है, तो ब्लॉग के लिए कि मैं ब्लॉग में आऊंगी, लेकिन कल आप लोग सुबह सुबह मुझे मैसेज आया वासिफ भाई, मैं आज लेंस लगा के आई हूँ और पता नहीं क्या करके आई हूँ, मैंने आपके साथ ब्लॉग में आना है ना, तो मैंने कहा रेस्ट इन पीस, आज मेरी छुट्टी है। आज 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 भी आ गई हो, इमोजी लगा लेंगे तुम्हारे चेहरे पे, ठीक है, स्नेक वाला, स्नेक वाला। कौन? आज भी तो कोशिश की है, आज भी कोशिश तो की है, कोशिश तो की है। हाँ क्लास में थैंक किया था, फिर बाहर। ओके जान, इसी वजह से आप लोग आज खुश हुए। ये हमारे हसन भाई हैं जो सुबह से यहाँ पढ़े। हसन भाई क्या मसला है आपको? मुझे रोजा लग रहा है, रोजे सुबह सुबह ही लग गए। ये भाई ने मुझे मैसेज किया था रात को, ठीक है, कि 7:15 तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा, 7:30 का, 7:30, हाँ, तो तू भी आ जाओ क्योंकि मैं रात को नहीं सोऊंगा। असल में सुबह जल्दी आ गया ना, नाराज होके बैठा हुआ है। हसन ये कहाँ बैठा है आज? काले शर्ट पैंट पहन के तो नीचे बैठा हुआ है। लेकिन असल एक बात, आज प्यारा लग रहा है कसम से। ये मामला जी ने मैचिंग शर्ट पहनी है, पता नहीं लग रहा मुंह किधर है। आते साथ ये इसने क्या कहा बताओ जरा। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है। वैसे अली भाई जो है वो 12 बजे के बाद जलील होना शुरू करते हैं। आज 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 मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है, आज ये लहर में आ रहे थे, मैं अभी उठ के आया हूँ, मैं इनको बताता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में तरक्की होगी, हम गरीब यहाँ नीचे बैठे होते थे, इन्होंने कुर्सियाँ लगा दी गरीबों के लिए। मैंने कहा है कि बेहतरीन दोजा यहाँ पे बैठ के ठंडा करें और ये गर्म हो जाए, क्योंकि ये अजीब सा, इसलिए इसको गर्म होना ही जरूरी है। और ये शापर आ रहे नहीं तो ये छतरी उठा के यूं करने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया।
असल में सुबह सुबह आज अली भाई की ले लिए आईब्रो में कट देगा आपने फुल गैंगस्टर हैशटैग सनराइज दीदी आईब्रो का जो कटर है इसकी स्टोरी वो G7 से जो बंदे बुलाए थे इसने और इसको कुट पड़ी थी बहुत कुट उस्मान तेरी ये कट सिर्फ यहाँ नहीं है अकेला कट नहीं है और भी है ये भी काट इसको कटाते हैं लोग बहुत जल कट के नाम से मशहूर हो गए हैं वासिफ के व्यूअर्स के लिए यार ये बंदा कोई स्पोर्ट नहीं खेलता साल में एक दफा बस स्विमिंग जाता है फिर भी फिट रहता है जिम चला जाता है कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला करो ठीक है और ये भाई रोज स्पोर्ट्स खेल के भी टिक निकाला हुआ है हमारा हसन भाई इतना अच्छा प्लेयर है ठीक है उदय भाई की तरह भी है और क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है एक दिन हमारा मैच था ठीक है और एक ओवर में 40 स्कोर रह गया तो हमने सोचा वो ओवर किसको दे ये हमारी टीम में थे तो हमने इसको दे दिया ओवर यकीन माने 39 स्कोर पड़ा एक रह गया था ओके डॉट डॉट नहीं है तेरी होगी फील करे डॉट डॉट लगा शर्म जो हाथ है वो थोड़ा सा ढींगा था तो बॉल इधर चली जाए चाहता है कि अंदर आए लेकिन नहीं ये अपना एक्सपीरियंस हसन पे झाड़ रहा है मेरा भाई है ये मेरे पास आए मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा ये उस्मान भाई है छतरी फास की छतरी ये जब बैठ जाती है बहुत दिनों से खेली ना प्रैक्टिस नहीं है लेकिन इनकी किलियां बहुत उड़ाई हैं इनकी वजह से मसल अकड़ गया वो मसल दे भी नहीं किया ना अभी तक मसल अकड़ गया ये भाई हमारा जिम जाता है सही है और हफ्ते में 4 दफा इसका चीट डे होता है मतलब जैसे ये चिकन या मीट वगैरह खा सकता है वो तो हर दिन खा सकता है चीट डे में वही होता है ना भाई हसन अली पे जितनी समझ है उसने उतनी बात कर दी है मैं तो जिंदगी में जिम और मेरा ताल्लुक नहीं है दो दोस्त जितनी मुझे थी मैंने उस हिसाब से किया तो उस हिसाब से ताल्लुक तेरा होता तो कुछ सही बोलता है सब सही बोलता है यार तेरा जिम वाले के साथ मैं नहीं था ना मैंने जी अली भाई बड़े भाई ज्यादा थे अली भाई एक दिन जिम किया दूसरे दिन उनका मसल पुल हो गया था एक महीने तक जा नहीं सके क्या हो गया था मसल पुल कौन सा वाला ये नहीं बता सकता ये टॉप सीक्रेट है टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मसल पुल कब इसी को पता है जो मेरा हुआ था और किसी को नहीं पता पता नहीं भाई को शायद रात को ख्वाब अच्छा जी तो छतरी वाली ये स्टोरी है कि हसन कहां गया ये रहा हसन सईद ये सही आदमी है और इससे बड़ा सही मैं हूं हसन आया था 3-1 महीने पहले बारिश थी मेरे घर आया था और ये छतरी वहीं पे छोड़ के चला गया अब कोई 3 महीने के बाद मुझे छतरी नजर आई तो मैंने कहा कि हसन को छतरी दे देते हैं ना हसन भाई ने मांगी ना मैं लेके आया मैं इतना अच्छा मैंने कहा वासिफ को जरूरत होगी कोई मतलब कुछ कहीं जाना हो तो काम आ जाएगी छतरी फिर मैंने मांगी नहीं अल्लाह हसन जैसा दोस्त सबको दे आमीन सबको नहीं सबको यार देखो ये तो बाल है तो बाल हसन देख तेरी गद्दन तो आएगी क्यों कहते हैं गद्दन नहीं है बकायदा जॉ लाइन है जॉ नहीं है तो लाइन किधर से आएगी कहाँ के बेइज्जती मत कर ये भाई उस दिन कहते हैं कि मैंने करतारपुरा में शहरी की ना तो पेट फुल तो कहता यहाँ तक पेट फुल हो गया था मैंने कहा भाई ठीक ही बोला तूने यहाँ तक तेरा पेट ही है क्यों ले रहे आज मैंने अपना व्लॉग भी शुरू किया हुआ है कोशिश कर रहा हूँ बनाने की नहीं, मैं फोन निकाल ही इसलिए नहीं रहा ना मोबाइल निकाल इसीलिए नहीं रहा क्योंकि आज ये बहुत जलील होने वाला है आज इसकी बहुत मैं इनको कह रहा हूँ कि आज हसन ये नहीं लो उसकी बजाय मेरी ले लो लेकिन नहीं सुन रहे तू तो रोज भाई तेरी तो डेली लेते हैं कोई नई बात कर अवेलेबल होता है कोई नई बात बताया अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा वैसे हम 18 प्लस हो जाएगा नहीं बोलना नहीं चाह रहे यार एडिटर में होना तो जो जहाँ पे मेरी ली जाती है मैं कट कर लेता अली भाई के सामने गलती से हमारे वासिफ भाई ने बोला कि वाइड एंगल में आपका स्लोमो बहुत फिट आएगा क्योंकि यहाँ मौसम बहुत फिट हुआ है मुझे कहता वाइड एंगल में तेरा इतना फिट आएगा मैंने कहा आज आ कहता मजाक कर रहा था मजाक करता मैंने कहा नहीं मजाक वाली गुंजाइश नहीं है पहले बात की है तो अब होगा फीट रीच के बच्चे फीट आज सही से फीट ये आखिरकार हमें वो बिल्ली मिल गई जिसकी बहुत गेम थी जिसके लिए हमने इतना आप लोग भी इधर दिखाना रमजान के महीनों में बिल्लियों के लिए खाना लाया करें सही वो पीछे कुछ और भी जानवर हैं उनको भी दे दिया करें कभी कभी लेकिन खास कर बिल्लियों का रखा करें ठीक है ये बहुत मासूम होती है और यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी बंद होती है रमजान में तो इनको कोई खाना वाना नहीं मिलता संगत यारी होगी मेरी संगत यारी तो होगी है लोग सारे कहते हैं ना नेकी करो दरिया में डालो ये हमारा भाई वासिफ भाई खुद के चैनल में खुद की नेकियां डाल रहे हैं वीडियो बना बना के जैसे ही गेटबोर्ड ला के रखा फौरन मोबाइल निकाला मोबाइल निकाल मैं एक चीज बताता हूं नहीं ठीक है ज्यादा सीरियस नहीं होना
हमने ऐसे ही बात की है। नहीं नहीं वैसे वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। बोला जाए तो वासिफ ने एक मैसेज दिया ऑप्शन वालों को, इन सबको, ठीक है, सबको, कि इधर जो बिल्लियां हैं, इधर के जो जानवर हैं, उनका आप ख्याल रखें, ठीक है, उनको वो वीडियो में आगे आगे मैं बोल चुका हूं, टाइम पे दिया करे, वो बोल चुका पहले ये बात, क्या बोला था बस मैं बाद में, असल में ये दोनों बचपन से एक साथ है ना, तो इनकी जो जुगती होती है वो सिमिलर ही होती है। एक मिनट चुप करो, वो भी चुप करके देख रही, सुनो यार मेरी बात सुनो, देखो रमजान में जो है ना इन चीजों को खाना नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे कम मिलता है, जानवर है बिल्ली नाम है इसका, इन चीजों को क्या मतलब इसका नाम बिल्ली हमें पता ही नहीं था ये बिल्ली है, ये कैट है, इसलिए तूने चीज बोला। हसन जिनैन रहता है तो ये कैट है, कैट है ब्रो, ये जिनैन वाले ये कैट बोलते हैं, इसका नाम बिल्ली है ना, कैट होता है ब्रो, जी नहीं ना फ्रेंड नहीं है, मेरे पास असल में एक बिल्ली थी, मैंने उसका नाम कैट ही रखा। तेरे से तवक्को भी यही की जा सकती, तू बिल्कुल हमारी उम्मीदों में पूरा पूरा उतरा है, कोई मसला ही नहीं पता था, इससे ज्यादा ज़हन पे जोर नहीं डाल सकता। पागल हो जाऊंगा आइंस्टाइन की तरह, बिल्ली भी परेशान हो गई, मुंह आ रहा है उस्माने का, जो मुंह आ रहा है वीडियो मेरा, जो आ रहा है मेरा उस्माने का मुंह आ रहा है, लेकिन नाक उतनी आ रही है सर। अबासी जी अस्सलाम वालेकुम, कितनी क्लासेस हो गई हैं सर? दो क्लासेस। ओ ना कर, दो बंक ना कर, मुझे लगा एक है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है क्लासेस कितनी हो चुकी हैं। गलत बात कर रहे यार भाई, हमारा केस शुरू होने वाला है, अल्लाह खैर करे। हमारे साथ दी वन एंड ओनली रमशा। रमशा क्या बना रिजल्ट का बता जरा? इस टाइम हमारी पेपर में कितने नंबर आए? 19 सर। खालिद सुल्तान आए, ठीक है, वो हमारे काफी सीनियर टीचर है, कहते हैं कि आप तली से पूछते पॉइंट आउट, बेटा आगे कितने नंबर है? नहीं आपका पेपर कैसा हुआ था? मैंने कहा सर पेपर अच्छा हो गया था, मैंने कहा यही बोला, अब नहीं भी अच्छा हुआ तो बंदा प्रिटेंड तो यही करे कि अच्छा हो गया था, ये ना हो कि नंबर ज्यादा हो और वो बोला नहीं तो अच्छा हुआ तो काट दे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं एक बार फिर कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा अब क्या बोलूं, मैंने कहा सर बहुत अच्छा हो गया, ये ना हो अगर बहुत अच्छा हुआ हुआ तो वो कहें नहीं, इसने तो बोला अच्छा नहीं हुआ काटो इसके, तो ये वाला सीन हो गया। तो जब मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ तो किस बाइस बहुत अच्छा 25 वाला नंबर होते हैं 16 सितारा, मेरा उत्साह जब उसने 16 सितारा मेरी तरफ देख के बोला तो मुझे समझ आ गया कि मेरे इससे ज़रा नीचे ही है या इसके अराउंड ही है, तो वासिफ के जो है वो अजीब से नंबर आएंगे। नहीं 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 बता दे कितने तेरे, अभी पता नहीं ना चले। देखो जो होता नहीं है असल, दो नंबर आदमी है लेकिन दो नंबर भाई बच्चे के लिए दो नंबर बोल रहा है, दो नंबर तुझे बोल रहा हूँ, दो नंबर आए इसके भाई, भाई मेरे साथ दो नंबर अभी दिखाए ही नहीं है, दो नंबर नहीं है तेरे, एक नंबर हमारे जो लिए वो है एक्टर है वो आ रहे हैं जी, शायर है शायराना तबीयत, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, इसने उस पे दिया था मेरे से जोड़ा सूट का, अभी तक नहीं इसने दिया, जो उधर बैठ के शायर बन रहा था नहीं हूं, वो तो पर साहब तब वो मेरे से ही लेके गया यार, देख ना ये मुझे याद करवाते ना, वो मैं पहनता हूं वो बेचारा, वैसे दे दे ना ये पहनता तो दे दे भाई, अरे एक मिनट पहले मेरा सफेद दे जो तेरे घर खड़ा है, इसी तरह चैन चैन इसने मेरे से लिया था, मैंने जाना ये मेरा दे, तूने जो 200 रुपया लिया था वो दे, ठीक है तू जा। यार अली क्या कर रहे हैं यार, मैंने किया ये दीवार के ऊपर लिखा है, तूने लिखा है अभी नाना जिसने सारा किया, जीरो मेरा हटा के, जीरो की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती, सही बात, एक जीरो अली की कोई वैल्यू नहीं, अली की तेरे साथ नहीं होती, बताया चाहिए नहीं था लेकिन हमें रिजल्ट मिला है, तो भाई अल्लाह के करम फतेह और शुक्र के साथ मेरे नंबर आए 7, हसन तेरे कितने आए? 8 नंबर आए, 9 मेरे, 8 है मेरे, 8 हसन के, 9 उस्मान तेरे कितने? 6 तेरे कितने? 8 अली साहब के 14 है, ये स्नेक है, स्नेक है, हाईएस्ट 20 है वकास शबीर, वकास शबीर के, वकास शबीर के हाईएस्ट 20 से तेरे हाईएस्ट नहीं है, हम पांचों में बता, हम पांचों क्या 6, हम 6 में बोलना, 6 क्यों 14 नंबर है ये, हम चारों में बताते हैं, पिछले सब्जेक्ट में कितने हैं? कितने 18 आपके, 24 तो लिख लो फिर, हाईएस्ट तो नहीं है ना, हम हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, अली मैंने केला खा ली 14 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट, इंशाल्लाह इन सबको मैं छोटी छोटी पोस्ट पे रखूंगा अपनी। अस्सलाम वालेकुम, शाह मामलाती, और उसका एक ही भाई है जुड़वा, अली मामलाती, ये दोनों जुड़वा जुड़वा है, मामलाती है दोनों,
ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। रऊफ आगे क्या बोलते हैं, बोल दे रहा हूँ बोल। लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जिनको अच्छी ना लगे वो डिसलाइक भी ना करना, बस ऐसे छोड़ देना।